मौजूदा समय में पूरा बिहार कोरोना के कहर से कराह रहा है। संपूर्ण बिहार और खासकर राजधानी पटना में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों का इलाज विभिन्न सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पताल में भी किया जा रहा है। पटना में इलाज करवा रहे संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों निजी अस्पताल की सुविधा से खुश है। पिछले कुछ दिनों में राज्य के रिकवरी रेट में इजाफे से मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौट रहे हैं। ऐसे में पीड़ित मरीजों के परिजनों निजी अस्पताल की सेवा से संतुष्ट दिख रहे हैं। रविवार को राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कोविड मरीजों के परिजनों ने कहा कि अस्पताल में मिल रही सुविधा की वजह से मरीज के हालात ठीक हो रहे हैं और यह जारी रहा तो हम जल्द ही पीड़ित मरीज के स्वस्थ होने के साथ वापस घर लौट सकेंगे। मामला हमारा भाई यहाँ 30 तारीख से और अस्पताल प्रशासन से जो हम लोग को उम्मीद था उसमें हम लोग को मदद मिल रहा है। जो सपोर्ट चाहिए ऑक्सीजन का या जिस तरह का भी, यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर राजीव के इलाज में हमारे भाई हैं, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। उस दिन जो घटना घटी है उस दिन हम थे यहाँ संयोग, उस दिन बहुत ज़्यादा ही पैनिक की, इतना हल्ला गुदाल, वो अपनी बहन तक को चप्पल से मारने लगी कि तुम आई हो, इसी वजह से हमारा हस्बैंड मर गया। अपने हस्बैंड को हम सेकंड ICU में थे, 20 नंबर बेड, और थर्ड में थे क्योंकि सेम फ्लोर था, तो हम लोग उसका एक्टिविटी देख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, अस्पताल प्रशासन से कोई शिकायत हम लोगों को नहीं है। आज हमारा भाई 30 तारीख से ICU में था, आज रूम में आया है, भगवान करे कि जल्दी स्वस्थ होकर जाए। और वो जो सिलेंडर उलेंडर की बात कर रही है, आज तो सिलेंडर का फ्लो ठीक हो गया है, तो हम लोगों को दो सिलेंडर मिल रहा है। होता क्या है कि जब इन लोगों का ऑक्सीजन पाइपलाइन में जो देना पड़ता है तो जोड़ने में जो समय लगता है, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय लगता है, उस समय सिलेंडर का भी क्राइसिस था, तो उसी समय थोड़ा सा फ्लो कमता है हर पेशेंट के साथ, हमारे साथ भी होता है। तो अगर एक्स्ट्रा सिलेंडर रहा तो अस्पताल देती है, अभी तो कहती है कि अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो आप लोग ले आइए। तो हम लोग तो जाते हैं टीना आयरन के पास, वहाँ सिलेंडर भराता है तो 300 रुपया लेता है, भर के दे देता है। सिलेंडर भी हम लोगों को अस्पताल मुहैया करा देता है कि आपको इमरजेंसी है तो लेके चले जाइए। उस दिन वो फालतू का नाटक की है, अरे मरना जीना को, आप डॉक्टर जो है जितना बढ़िया डॉक्टर और जितना ICU में है, यहाँ पर जितना भी लोग थे 3 लोग आगे मिल लिए, जाइए सब लोग मिल लीजिए, कहीं ऐसा नहीं है। यहाँ तो है इस टाइप का सुविधा कि ICU में किसको जाना है, हम लोग दिन दिन भर 2-3 आदमी पेशेंट के पास ICU में रहे हैं। पिताजी और बाबा कोविड पॉजिटिव थे और माइल्ड सिम्टम के साथ थे, तो पिताजी का थोड़ा डिसओरिएंटेशन था, इमरजेंसी में आए, तुरंत ये लोग भर्ती कर दिए, रूम दे दिए बड़े अच्छे से, एयरिंग रूम है, और मतलब तीनों लोगों को आइसोलेशन में हम लोग रहे। कल शायद हम लोग को छुट्टी भी होने वाली है, कहीं से मतलब हर दिन 2 बार डॉक्टर आके देख के जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिम्टम्स माइंड था, पर पिताजी का एज रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो बहुत अच्छे से हैंडल किया गया। और हमारे पर्सन भी आके इतना अच्छा लगा कि हम कुछ ये नहीं कर सकते कि इस क्राइसिस सिचुएशन में भी इतना अच्छे से ये लोग हैंडल किए। ऑक्सीजन क्राइसिस को लेके बातें हो रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए हमारे तो कोई मतलब मेरा पिताजी का कोविड, दीदी का कोविड, हम कोविड पॉजिटिव होके थोड़ा ठीक हुए थे और दोनों का हो गया। पिताजी का 82 ईयर्स एज है, वो थोड़े डिसोरिएंटेड थे, तो एक दिन में इतना अच्छे से अटेंडेंस मिला कि मंगलवार भर्ती हुए, पिताजी बुधवार से बैठने लगे, और डॉक्टर साहब रात दिन, और कभी भी दिक्कत भी होता है हम कॉल करते हैं तो तुरंत फ़ोन उठा के बात कर लेते हैं, रात को 12 बजे भी किसी को बोलते हैं तो तुरंत आके अटेंड कर लेते हैं। और इस सिचुएशन में इतना अच्छे से देना सर्विस इतना आसान नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मैं रंजा बंदोपाध्याय हूँ, NIT पटना के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग के पास में, और मेरा BBA है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाती है। किन का इलाज चल रहा है यहाँ पे? विजया बंदोपाध्याय मेरी सिस्टर जो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर है, और मेरे पिताजी हैं जो हम लोगों के साथ हैं।